हैदराबाद स्टोन फेमस बैंगल्स जी, ये पुराने ज़माने में घड़े से ऊपर बनाते थे, घड़े के ऊपर। अब ये इस टाइम पे ये भट्टी में काम हो रहा है, और इसके अंदर जो है ना, जैसे एक लाइन के बनाते हैं उसमें तीन रिंग होते हैं, दो लाइन के अंदर चार रिंग होते हैं, और ज़्यादा अगर है तो उसके अंदर जो है, जैसे डिजाइन बढ़ता गया 16 लाइन है तो 20 रिंग वगैरह जो है डाल के साइड में बॉर्डर लगा के बनाते हैं। अभी क्या है, अब हम इसके अंदर जो है मैडम जी, थोड़ा सा ये ब्रास आ रहा है इसके अंदर भी, हम जो है ये ज़रा मजबूती रहती है इसके अंदर, ये ब्रास के अंदर भी इसके अंदर कर रहा था, और थोड़ा जो है हम बीड्स लगा के, एक ज़माने में खाली स्टोन ही चलता, ये बीड्स के अंदर जो है ना मोर वगैरह लगा के हम इसको डिजाइनिंग दे रहे हैं, नए नए तरीके का। ऑलरेडी के साथ हैदराबाद फेमस बैंगल्स है, मगर क्या है कि बाहर के मार्केट में भी, जैसे जयपुर है, कलकत्ता है, इंदौर है, वहाँ पर भी जो है बैंगल्स बनता है। यहाँ पर जो है हैदराबाद में हम वहाँ के डिजाइन खास जो है ना हैदराबादी स्टाइल में बना रहे हैं, हम बाहर के डिजाइन फॉलो करके। अब जैसे डिजाइन से मैडम जी, अभी क्या है बीट से हैदराबाद का जो है पल्स मंसूर ना, उसके अंदर मोल लगा के, तो क्या है ये फैंसी भी हो गया और हैदराबादी भी हो गया। और ये जो है हमारे, तो हमारे दादा परदादा, हमारा ख़ानदानी काम, एक जने का वर्क नहीं होता, एक जना कटिंग करता है, एक जना रिंग डालता है, एक जना जो है डायमंड निकालता, ये एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे एक बोल तो टीम वर्क है। तो ये एक टारगेट रहता, जैसे एक लेन का है तो एक 12 लेन बनाते, दो लेन का है तो 8 लेन बनाते, और मोटा जो बनता है सब बड़ा कड़ा है, सब चौड़ा वाला ऐसे ही मोटा कड़ा बनाए तो इसके अंदर ये 3 लेन बनता है उसे। अब ये पहले हम इसको जो है मेकिंग करके इसको डाई में निकाल देते, डाई में निकालने के बाद इसको जो है लेडीज अंदर स्टोन लगा लिया, स्टोन लगाने के बाद फिर इसके ऊपर फिनिशिंग करते, उसे लगाने के बाद फिर मार्केट में जो इसको तैयार हो जाता है उसे। ये एक लाइन की जो है ये 120-150 जो है माल में सेलिंग पड़ती थे हमको, 80-90 रुपीज़ कुछ पड़ती थे प्रॉफिट है। अभी क्या क्वांटिटी में बनता ना, हम यहाँ पर 12 डजन 15 डजन ऐसा क्वांटिटी में बनाते थे, 3 जने मिलकर 50 रुपीज़ का भी है, और है तो उसमें 2000-2000-5000-3000 का भी बनता मैडम, जैसे 3000-3500 का भी वो डिजाइन को कुछ नाम वगैरह लिखाना रहता तो 4000 का भी वो स्पेशल डिजाइन में भी बनाते, ऐसा नहीं है, मगर एंडिंग बोले तो 5000 के नीचे रहता हूँ। अब ये सेट है मैडम जी, स्टोन में तो बनता ही है सेट, ये तो आम बात है, आदमी बनाते हैं। ये इसके अंदर जो है मैडम, हम बीड्स का नया काम चालू करे, ये जो है ना, ये बीड्स जो है ना काली भी नहीं पड़ती, ख़राब भी नहीं होती, और साल दो साल यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर, इसमें कलर वगैरह फेक्ट नहीं होता, और नीचे फ्रेम भी जो है ना ब्रास का है इसके अंदर। अब इस पर क्या है, ये बेस्ट जो है बीड्स जो है ना, बहुत बारीक बीड्स है, इसको लगाने में प्रॉब्लम आता, बहुत बारीक जीरे के जैसा रहता, मगर हमारे पास जो ये इसमें बहुत डिमांड से और बहुत बिक्रा मैडम जी। वो स्टोन का तो पेन के मैडम जी क्या सर पुराना हो गया, ये नए स्टाइल में जो है ना बहुत पसंद कर रहे हैं सर मैडम जी, यानी इसमें ज़्यादा चमक धमक भी नहीं है और अच्छा भी दिखता है मैडम जी, इसमें जो है ना वो ऐसा ज़्यादा शाइनिंग भी नहीं है, और ओरिजिनल बीड्स का भी दिखता हो, और ख़राब भी नहीं होता, वाशेबल भी रहता मैडम। हाँ बना सकते हैं मैडम, ट्रेनिंग देते हैं मैडम, हम राजमंडी, तिरुपति, महबूब नगर, अपने किशन बाग हैदराबाद में, और तकरीबन 2002 से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गुंटकल, अनंतपुर, ये अली डिपार्टमेंट है, और डीसी हैंडीक्राफ्ट से गुरु शिष्या प्रोग्राम में भी जो ट्रेनिंग दी यहाँ पे शाइन नगर में ओल्ड सिटी के अंदर। अब वैसे इसके अंदर तो हम कुमकुम बरनी वगैरह भी बनाते थे, मगर क्या है कुमकुम बरनी टूट जाती है, लाके बोलिए थोड़ा कम हो गया, वो मेटल की ज़्यादा चलती, तो पहले कुमकुम बरनी भी बहुत बनती थी। तो अब ये ट्रेनिंग के लिए तो हम दिए, और जहाँ भी गए वो अपने वर्क पे स्टोन लगाना सिखाते, एक सेट फैमिली सेट है, वो फैमिली सेट के जैसे 100 रुपये 120 रुपये 125 रुपये वो लाइन के हिसाब से रहते, वो भी अपने घरों में वर्क करते थे, उनको मार्केटिंग में बताते हम फलाने कारखाने है 4 मार पे, वहाँ वो लोग वर्क देते आपको स्टोन लगाने का, तो ये भी करते।